बिजनौर से सटे घन्नूवाला इलाके में तेजी से आ रहे खनन से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने 10 वर्ष आदित्य पाल नामक मासूम बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिवार वालों ने सड़क पर शव को रखकर हंगामा किया। ट्रैक्टर ट्राली को छुड़ाने आए युवक को लोगों ने जमकर पीटा। पुलिस ने युवक की जान बचाते हुए उसे जीप में बिठा लिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नरेश कुमार, नरेश कुमार की क्या घटना हुई और खनन में ये क्या चल रहा है? ये रोज ट्रैक्टर ट्रॉली इधर से खनन की निकल रही है, रोज रेत लेके प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और अभी ये ट्रैक्टर के नीचे बच्चा कुचला गया, सारा इसका सिर कुचला गया, एक्सपायर हो गया लड़का। अभी कई दिन से प्रशासन पर भी एक दो दफा सूचना भी दी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। पुलिस अभी कह रही है भाई इसका करेंगे निस्तारण करेंगे, जो भी है उनको बुलाया जाएगा दूसरे पक्ष को, या थाने में लेकर जाएंगे। जब इसका क्या मांग है? हमारी मांग ये कि यहाँ आकर जो ट्रैक्टर ट्राली वाले भी हों, वो आकर यहाँ बताओ जैसे भी क्या कहाँ पुलिस चोट लगा के भाग गए। एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या आपका मामला है? ये धनवाला गाँव में एक ट्रैक्टर था जिसमें रेत लदी हुई थी, वो ट्रैक्टर जा रहा था, एक बच्चे का दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर पकड़ा गया है और संबंधित जो है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है थाने में, को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति उनकी तरफ से आया हुआ था, पक्ष की तरफ से? जी जी, एक व्यक्ति वहाँ जो परिजन थे उनकी शिकायत थी कि एक व्यक्ति बीच में भीड़ में आ गया था और वो उसको सुलह समझौता कराने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति को भी, उसके साथ कोई वेपन भी था, तो इनका ये कहना था कि वो धमकी भी देना चाह रहा था। उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, उसको थाने लिया गया है, उसके खिलाफ भी मुकदमा लेके कार्रवाई की जा रही है।